हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मकान निर्माण में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो कॉलम की स्टार्टर क्या होता है और उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि स्टार्टर होता कैसा है। कॉलम आपका एक लोहे का सांचा बनवाया जाता है जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपकी फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए मेरा 200 बाई 300 का कॉलम है, यहाँ पर मेरा 300 ये कॉलम हो गया, ये यहाँ पर 230 का कॉलम हो गया, ये आप देख सकते हैं। साथ ही इसके डायगोनल फिक्स होने चाहिए, ये साइज आप देख रहे हैं। इन डायगोनलों में बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए, अगर ये अंतर होगा तो फिर आपका कॉलम भी वैसा ही बेंड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज दोनों के डायगोनल फिक्स हैं। इस रेक्टेंगुलर सांचे को हम कॉलम में फिक्स कर देते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से फिक्स किया गया है। कवरिंग प्रॉपर है, आओ बराबर देख लेना साइज, तरह चारों तरफ से कवरिंग बराबर रहे। हाँ पूरा मतलब दो फेस तो आपके बराबर मिले ही, साथ में ये इस सांचे को फिक्स कर दिया जाएगा और साथ ही फिर इस मसाले को उसमें भर दिया जाएगा। अच्छे से भर देना, मसाला थोड़ा टाइट और हो जाता तो गिरता नहीं, वो ठीक है ना गिरेगा, ज़्यादा कोई गैप नहीं है। और ये हमारा स्टार्टर भर गया, और इस तरीके से सभी कॉलमों में स्टार्टर लगा के भरा जाएगा ताकि सभी कॉलमों में प्रॉपर कवरिंग मिलती रहे। और इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक कॉलम में स्टार्टर को भर दिया गया है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये नीचे से कॉलम है और ऊपर इसमें स्टार्टर को भर दिया गया है। तो आपको सरिया से बराबर कवरिंग दिखाई दे रही होगी। इसी तरीके से इन सभी कॉलमों में स्टार्टर को लगाया जाएगा। स्टार्टर को हम साइज कॉलम की साइज नाप करके मार्किंग करके और फिर लगाएंगे। जैसे आपको देख सकते हैं कि मैंने पूरी पहले मार्किंग की हुई है कॉलम पे कि हमारा कॉलम सेंटर पे कहाँ है, किस तरफ जाएगा, उस हिसाब से हमारा स्टार्टर भी रखा जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऐसे ही हर एक कॉलम में मेजरमेंट करके रखा गया है और उसके बाद ही स्टार्टर रखा जाएगा हमारा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।